But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. हेलो फ्रेंड्स, राज और अटैच डिज़ाइंस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये डिज़ाइनर ड्रेस जो कि मैंने एक वेलवेट के फैब्रिक पे बनाई है। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने ये दो टाइप का कपड़ा लिया है। 5 मीटर हमने ये वेलवेट का प्लेन कपड़ा लेना है और 2 मीटर हमने ये कढ़ाई वाला लेना है। ये भी वेलवेट पर ही लेना है। सबसे पहले हम इसका जो नीचे का घेरा है वो कट करेंगे। और जो मैंने कपड़ा ले रखा है उसकी चौड़ाई लगभग उसका अर्ज वो 46.5 इंच के करीब है। तो अब हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे। कमर इसमें 32 इंच रखी है हमने, तो उसके लिए मैंने ये 5.5 इंच का निशान पहले लगा लिया है। ये हमारा जो घेरा कट होएगा वो अम्ब्रेला में कट होएगा। अभी निशानों को राउंड में मिला देंगे और अच्छे से नाप लेंगे। ये हमारा 32 इंच 32 इंच आ गया है। अब इसी निशान से हमें नीचे की ओर निशान लगाना है 30.5 इंच पे। निशान लगाते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि पूरे घेरे में निशान हमारे बिल्कुल बराबर लगने चाहिए, नहीं तो जो हमारी स्कर्ट का घेरा बनेगा जो नीचे के पार्ट का वो अप डाउन ऊंचा नीचा होता रहेगा। ये हमारे पूरे घेरे में अच्छे से निशान लग चुके हैं। अब हमने जहाँ जहाँ पे निशान लगाया था उसको अच्छे से, बिल्कुल जहाँ से निशान लगाया था वहीं से हम काट देंगे। मैंने पहले ये नीचे से जो निशान लगाया था घेरे के ऊपर वो कट किया, उसके बाद हमने जो कमर के ऊपर निशान लगाया था उसको कट कर देंगे। हमारा नीचे का जो पार्ट तैयार होएगा वो हमारा कट हो चुका है। और इसके जो साइड में दोनों साइड है वहाँ पे हम जब बनाएंगे तो सिर्फ 2 सीधी सिलाइयाँ लगेगी दोनों साइड। इसको उल्टा करके हमने सिलाइयाँ लगानी है जब हम इसको सी लेंगे। मैंने स्कर्ट का पार्ट, जो नीचे का पार्ट है वो पहले इसीलिए कट किया क्योंकि जो इसमें से साइड में से कपड़ा बचेगा उसी के अंदर से मैं इसका टॉप पार्ट निकाल लूँगी। ये हमने अब इसका ऊपर का हिस्सा बनाना है। इसके लिए मैंने 15.5 इंच इसकी लंबाई ले ली है और इसका 6.5 इंच मैंने शोल्डर ले लिया है, कंधा। उसके बाद ये जो नीचे से आर्म होल की हम जहाँ से लेते हैं वहाँ से मैंने 6 इंच किया है, मैंने वहाँ से कम कर दिया है जिससे कि जब हमारी बस्ट की शेप बनेगी और ऊपर से फिटिंग आएगी वो अच्छे से आ जाएगी। अब हम इसका बस्ट पॉइंट मार्क करेंगे। इसके लिए मैंने 36 इंच है तो मैंने 9 इंच लगा दिया इसका चौथा हिस्सा करके, और कमर हमने रखी 32 इंच तो उसका मैंने लगा दिया 8 इंच। अब हम ऊपर से 3 इंच का जो नेक की विड्थ है वो रखेंगे और फिर ये 1/2 इंच 1/2 इंच हमने डाउन कर देना है। और ये हमारे आर्म होल की शेप बन जाएगी। जितना भी हमने आर्म होल बचा उसका हाफ कर लेना है और उसके बाद ये शेप बनानी है। ये फ्रंट की है और ये जो बाद में बना रही हूँ मैं वो बैक की है। और ये हमने साइड में से जो मार्जिन का है कपड़ा वो ले लेंगे और बाकी का एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। जो जो हमने निशान लगाए हैं उसी निशान के ऊपर से हम ये टॉप पार्ट है जो वो कट कर देंगे। ये हमारा ऊपर का कट हो चुका है
और फ्रंट पार्ट को हम साइड में, जो बैक पार्ट है उसको हम साइड में निकाल देंगे, और जो फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर जो हमने आर्म होल की शेप बनाई थी उसको हम कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है, उसकी शेप कट हो चुकी है। अब हम इसकी बाजू कट करेंगे। बाजू कट करने के लिए मैंने 4.5 इंच की मोरी रखी है आगे से, और इसको 4 इंच का जो शेप देते हैं हम, वो उसकी डेप्थ रखी है, और ये हमने इसकी शेप बना दी है। और 8 इंच का आर्म होल होगा बाजू का तैयार। इसको अच्छे से मिला देंगे, और ये मार्जिन 1-1 इंच का मैंने रख लिया है, और अब हम इसको कट कर देंगे। इसके बीच में से हमने नोचिस दे देना है ताकि बाजू दोनों साइड से बराबर हो। और ये हमने फ्रंट की शेप दे दी है, फ्रंट आर्म होल की, और इसको भी हमने कट कर दिया है। अब हमने जो नीचे घेरे के अंदर जो स्कर्ट का पार्ट कट किया था उसके अंदर हमने ये कढ़ाई वाला कपड़ा है, इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने ये 6.5-6 इंच की स्ट्रिप्स कट कर ली है। जो 2 मीटर का कपड़ा हमने लिया था उस सारे कपड़े में से हमने ये सारी स्ट्रिप्स निकालनी है। हमें ध्यान रखना है जितनी भी हमारी ये पट्टियाँ कट होंगी उनका सबका साइज सेम होना चाहिए। बाद में हम इनको जब हम सिलाई करेंगे तो इन पट्टियों को आपस में अच्छे से जोड़ लेंगे, और उसके बाद ही हमने घेरे में अटैच करेंगे। तो अब हम ड्रेस की सिलाई है वो शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने ये बैक और फ्रंट का नेक बनाना है। तो ये फ्रंट नेक बनाने के लिए मैंने ये पेपर पेस्टिंग लिया है, इसके ऊपर अब हम निशान लगाएंगे। तो ये हमने गले की चौड़ाई 3 इंच रखी है, और गले की लंबाई हमने रखी है 5 इंच। अब हम इसको निशान लगा देंगे और फिर इसकी गोलाई कर देंगे। गोलाई करने के बाद ही 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ के हम इसको कट कर देंगे। तो ये फ्रंट का और बैक का नेक है जो हम नॉर्मल सूट या कुर्ती में बनाते हैं, वैसे ही मैंने बनाया है। और इसके जो बैक पार्ट में जो है वो मैंने उरेप की पट्टी यूज़ करके इसका जो नेक है वो बनाया है। ये हमारे आगे का और पीछे का दोनों का गला तैयार हो चुका है। अब हम इसकी बाजू तैयार करेंगे। बाजू तैयार करने के लिए बाजू के ऊपर भी हम बॉर्डर लगाएंगे। जो कढ़ाई का कपड़ा हमने अलग से लिया है, जो स्कर्ट के घेरे पे लगाना है वो ही हमने बाजू पे लगाना है। ये मैंने 5-5 इंच की 2 पट्टियाँ कट कर रखी है, और अब हम इनको बाजू के ऊपर लगा देंगे। ये बॉर्डर हमारा बाजू के ऊपर अच्छे से लग चुका है। अब जो हमने बॉर्डर लगाया है उसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। ये वाली जो गोल्डन कलर की मैंने लेस ली है, इसका कलर इसकी जो कपड़े की जो कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी है, उसमें मैच हो रहा है। इस लेस के ऊपर मैंने सिंगल सिलाई चलाई है बीच में से। लेस को हमने बाजू के इसके जो जॉइंट है बॉर्डर के उसके ऊपर और जो इसका नीचे है वहाँ पे दोनों साइड हम अटैच कर देंगे। ये हमारी लेस लग चुकी है, और ये हमारी दोनों बाजू अब अच्छे से तैयार हो चुके हैं बॉर्डर लग के। अब हम इन बाजू को अटैच करेंगे जो हमने टॉप पार्ट कट किया था ऊपर का उसके अंदर। उससे पहले हमने ये बाजू की फिटिंग कर लेनी है जो हमने निशान लगाया था। 4.5 इंच इसकी मैंने मोरी रखी थी बाजू की, और 8 इंच ऊपर से इसका आर्म होल रखा था। ये हमारी दोनों बाजू अच्छे से फिटिंग करके तैयार हो चुकी है। अब हम इनको जो ऊपर का टॉप पार्ट कट किया था उसमें अटैच करेंगे। इससे पहले हम जो टॉप पार्ट है उसकी कंधियाँ जोड़ लेंगे। और ये फिटिंग लगा लेंगे। ये हमारे टॉप पार्ट की फिटिंग हो चुकी है अच्छे से।
अब इसकी फिटिंग होने के बाद जो 1 इंच कमर की साइड हमने ऊपर की तरफ निशान लगाना है इसको, और थोड़ी सी हल्की सी गोलाई देते हुए इसको हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर दिया है और ये हमारा टॉप पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर सिर्फ हमने अब बाजू अटैच करने हैं। अब हम इसमें बाजू अटैच कर देंगे। ये हमारी बाजू लग चुकी है और अब हम इसका घेरा है जो वो तैयार करेंगे। जो घेरा हमने कट किया था उसके दोनों साइड सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगने के बाद ये हमारा घेरा ऐसे इस तरीके से दिखेगा। अब इसके नीचे जो हमने बॉर्डर कट किया था वो अटैच करेंगे। उससे पहले हमने उस बॉर्डर को अच्छे से जोड़ लेना है और फिर उसको ऐसे अटैच कर देना है घेरे के अंदर, फुल घेरे में। जो कढ़ाई वाले कपड़े का बॉर्डर हम लगा रहे हैं इस ड्रेस के अंदर, ये 2 मीटर कपड़ा हमारा यूज हो चुका है और कपड़े की जो विड्थ थी अर्ज है वो 46.5 इंच है, 46.5। ये हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे घेरे में बॉर्डर लगा देना है और ये हमारा बॉर्डर लगने के बाद हमारा जो घेरा है वो इस तरीके से दिखेगा। और फिर इसके बाद हमने जैसे बाजू के अंदर लेस लगाई थी सेम उसी तरीके से हम घेरे के ऊपर लेस लगा देंगे। लेस में सिर्फ मैंने बीच बीच में एक बार सिलाई लगाई है। बाजू में तो लेस हमने जो जो जॉइंट आया था उसके अंदर और जो नीचे मोहरी है उस पर दोनों साइड लगाई थी, लेकिन घेरे के अंदर सिर्फ हमने जहाँ पे जॉइंट किया है इस बॉर्डर को वहीं पे लेस लगाएंगे। अब हम इसका घेरा है जो नीचे से वो फोल्ड कर देंगे अच्छे से। अब इसके ऊपर हमारी जो लेस है वो भी लग चुकी है और इसका नीचे से घेरा भी फोल्ड हो चुका है। अब इसमें हम टॉप पार्ट अटैच कर देंगे। टॉप पार्ट अटैच करते टाइम हमने घेरे में भी और जो टॉप पार्ट है उसके बीच में दोनों में कट लगा लेना है ताकि हमारा बिल्कुल इक्वल लग जाए, एक समान लग जाए। होने के बाद हमारी ड्रेस की फाइनल लुक है, ये हमारी ड्रेस रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।